थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल किशन जी, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट क्योंकि अभी शो आया नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको इतना बताऊंगा कि बन्नी चाओ होम डिलीवरी मैंने साइन कर दिया है एंड शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और कैरेक्टर जो है ना इस बार बहुत चटपटा है, तो आई बिलीव बहुत एंटरटेनिंग है एंड ऑडियंस को मज़ा आएगा। यार मुझे हमेशा गुस्से वाले रोल ही मिलते हैं तो है, मैं नेगेटिव बोलना पसंद नहीं करता। इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, ग्रे है, गुस्सेल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चटपटा भी बहुत है, तो ऑडियंस को अलग अलग शेड्स देखने के लिए मिलेंगे तो मज़ा आएगा उन्हें। ओके, तो किस तरह की, अभी आपने कहा कि आप ग्रे की जो किरदार है वो आप हमेशा से मिल रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या मतलब क्या है, आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरह कैरेक्टर आप करना चाहते हैं? किस तरह का करना चाहता हूँ? जैसे इस तरह से आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ड्रीम रोल टाइप्स, ड्रीम रोल देवदास, दैट्स माय ड्रीम रोल। और जो कैरेक्टर क्या है ना अपना किशन जी, जो काम आता है ना, मैं हर काम नहीं लेता, रीज़न बीइंग कि मेरे को जब तक तो कुछ चैलेंजिंग नहीं मिलता करने के लिए, मतलब अगर मैं रात को सो रहा हूँ और अगले दिन का सोच के मुझे पेट में बटरफ्लाइज ना हो, तो फिर वो काम करने में मेरे को मज़ा नहीं आता। मुझे चैलेंज करना चाहिए कोई कैरेक्टर तो मैं लेता हूँ, इसलिए मैंने बीच में 1 साल 3 महीने का गैप भी लिया था क्योंकि मेरे को कुछ चैलेंजिंग करने के लिए मिल नहीं रहा था। तो तुझसे है राबता 2020 में मैंने किया था, उसके बाद आई टुक अ गैप ऑफ 1 या 3 मंथ्स, तो मैंने एक मूवी प्रोड्यूस करी जिसका नाम है लप्पड़, जिसमें 6 महीने लग गए मुझे बिकॉज हरियाणा में शूट कर रहे थे हम, तो दिल्ली हरियाणा चल रहा था बिकॉज VFX वगैरह भी था उस मूवी में, जो रिलीज़ हो चुकी है बाय द वे उल्लू पे, तो मैं प्लग इन कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी नाइस रिलीजियस फिल्म जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसमें मैंने एक्टिंग नहीं करी, सिर्फ प्रोड्यूस किया अपने दोस्त के साथ। एंड उसके बाद मैंने 2 वेब सीरीज साइन करी, लप्पड़ आपने देखा? जी लप्पड़। तो कुछ अगर आप बता सके, मतलब ये प्रोड्यूस करना बच्चों को लेके, तो कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं यार, मैं एक्चुअली इस फिल्म से जुड़ा नहीं था स्टार्टिंग में, मेरा दोस्त है समर्थ शांडल्या, उसने प्रोड्यूस करी थी ये मूवी, तो वो मतलब ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फिल्मिंग उसने मुझे कॉल किया कि तू जुड़ना चाहेगा? मैंने कहा बिल्कुल जुड़ना चाहूँगा। उसने मुझे स्टोरी सुनाई, तो एक बच्चे की कहानी है कैसे उसकी ज़िंदगी में उसको एक लप्पड़ पड़ता है, लप्पड़ इन द सेंस थप्पड़ पड़ता है, तो उसकी ज़िंदगी पलट जाती है, और कैसे पलट जाती है वो आप मूवी देख के देखिएगा। 8-10 मिनट की मूवी है, इट्स वेरी नाइस वेरी स्वीट। एंड यस, तो वो रिलीज़ हो चुकी है, उसको डायरेक्ट किया है तुषार त्यागी जी ने, जिनकी लास्ट मूवी ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी सेविंग चिंटू, तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और कड़कती सर्दी में हमने शूट की थी फरवरी में हरियाणा में, तो मज़ा आया था। इस तरह का रिएक्शन, मतलब कहानी अगर हम बात करें, बच्चों को थप्पड़ मारना, क्या ये वायलेंस के ऊपर है, क्या है अगर आप? नहीं, कोई वायलेंस के ऊपर नहीं है। ये एक टीचर है जो, ये बच्चा बहुत शरारती दिखाया है, तो ये टीचर उसको एक थप्पड़ मार देती है और उसके बाद क्या होता है, तो वायलेंस के ऊपर कुछ नहीं है, बहुत ही क्यूट स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है एंड कॉमेडी है एंड एक छोटा सा मैसेज भी है लास्ट में, तो अब पूरा बता दूंगा तो फिर लोग कैसे देखेंगे। ओके, जर्नी कैसे रिप्रोड्यूस करना, डायरेक्ट करना, मतलब कि ये जो फिल्म आपको एक्टिंग करते हैं, लेकिन इस जर्नी को थोड़ा अगर आपको बता सकें? लर्निंग एक्सपीरियंस, सच बताऊँ तो आपको हमें लगा था हम 1 महीने में मूवी ख़त्म कर लेंगे, लेकिन करते 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 6 महीने हो गए। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट डे हमने शूट किया और हम करके वापस दिल्ली आए शाम को, तो मेरे प्रोड्यूसर फ्रेंड का फ़ोन आया, वो कहता भाई हमने जो शूट किया ना सुबह से, उसका सारा डेटा उड़ गया। तो वो डेटा सारा उड़ गया क्योंकि कार्ड करप्ट हो गया था, तो हमको वो 2 दिन का शूट था हमारा, हमने उसको 3 दिन करा। तो ये छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, लेकिन यस, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। VFX में कितना काम जाता है वो पहले हमें पता नहीं था, तो VFX में हमको कम से कम 3 महीने लग गए, बैकग्राउंड म्यूजिक में हमको 1 महीना लग गया, तो जो हम 1 महीना सोच के चल रहे थे वो 6 महीना हो गया। तो फरवरी में हमने मूवी शूट की थी और अब वो 1 साल बाद रिलीज हुई है। तो ये उल्लू ऐप में आपने रिलीज किया, तो रिलीज करने में कोई परेशानी थी कि स्पॉन्सर मिलना, सही प्लेटफॉर्म मिलना? देखिए बहुत छोटी फिल्म है हमारी, तो स्पॉन्सर्स की ज़रूरत नहीं थी, हम तीनों दोस्तों ने मिलके मूवी प्रोड्यूस की थी,
मूवी रिलीज़ होने के बाद मैंने आपको बोला जैसे चैलेंजिंग पार्ट था इसका VFX, बिकॉज हमको जिसको दिखाना था, जिस एनिमल को हमने दिखाया है मूवी में, वो VFX से, बिकॉज वी ऑल बिलीव इन नो एनिमल क्रुएल्टी. तो हमने सेट पे कोई एनिमल यूज़ किया नहीं, हमने VFX से जनरेट किया वो एनिमल. तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आ गया था और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था. तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट था. रिलीज़ करना वॉज टच वुड ईजी प्रोसेस. शायद पिक्चर इतनी अच्छी बनी थी कि उन्होंने फटाफट ले ली और रिलीज़ कर दी. जी तो लेकिन व्हाट आर योर फर्दर प्लानिंग, शो के बाद कोई रियलिटी शो करना कोई है आपका यार? सच बात बताऊं आपको किशन जी, तो मैं प्लान नहीं करता अपनी लाइफ, मैं सिर्फ एम करता हूं. और मेरा एम एक ही है कि मैं बड़े पर्दे पे 70mm स्क्रीन पे आना चाहता हूं, जो मैं आऊँगा ज़रूर बहुत जल्दी. तो जो भी मैं काम करता हूँ मैं उसको बहुत ईमानदारी से और एज अ स्टेपिंग स्टोन लेता हूँ, कि जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे बस कोई नोटिस कर ले और मुझे बोले यार इसमें दम है इसको ले लो. तो बस चीज़ें चल रही हैं. हाँ, प्रोजेक्ट्स हैं लाइंड अप जो अभी आगे आने वाले हैं. हंगामा प्ले की वेब सीरीज़ है हसरतें जो रिलीज़ होने वाली है मई में, एंड एक म्यूज़िक वीडियो है इंतज़ार, वो भी मई में आ जाएगा. और बनी चाहो होम डिलीवरी स्टार प्लस पे तो आ ही रहा है अप्रैल में, तो देखते हैं आगे क्या होता है. ओके, अगर हम बात करें कौन सी एक्ट्रेस के साथ आप हाल ही में कौन सी बड़ी फिल्में आपने देखी, आरआर की, कश्मीर फाइल की, आलिया भट्ट की फिल्म की, तो किन एक्ट्रेस के साथ आप काम करना चाहते हैं? किन एक्ट्रेस के साथ मैं काम करना चाहता हूँ? मेरे को श्रीदेवी जी के साथ काम करना था. आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ हर्स. आजकल अगर मैं कहूँगा, आरआर मैंने देखी एंड आई लव्ड. मेरे को कमर्शियल मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, हू बेटर देन SS राजामौली. मैं आजकल सानिया मल्होत्रा जी का काम बहुत पसंद कर रहा हूँ. वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं. उनकी जितनी भी मूवीज़ आती हैं वो हर मूवी में मेरे को सरप्राइज़ करती हैं अपने काम से. सानिया मल्होत्रा, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग टू वर्क विद हर. अगर आप मेरे से पूछेंगे और ऑप्शन देंगे तो खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज मुझे वैसे शोज़ पसंद हैं जो आपको चैलेंज करें, आपके लिए कुछ टास्क हो करने के लिए. और मेरा बहुत बड़ा फियर है रेप्टाइल्स का और थोड़ा सा फियर है हाइट्स का. तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो आई गेस दैट विल बी चैलेंजिंग फॉर मी एंड आई विल बी एबल टू ओवरकम माई फियर्स. जी अब किशन जी, मैं सच बताऊँ तो फैंस वो होते हैं जो कड़कती धूप में भी खड़े होकर लाइन में लगकर आपके लिए टिकट खरीदें. तो मैं जो मुझे देखते हैं मैं उनको व्यूअर्स बोलूँगा, फैंस अभी कमाने बाकी हैं. लेकिन जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सहराते हैं, उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. और उनको मैं यही बोलूँगा कि मैं आपके लिए काम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा. ये शो में भी आप देखिए मुझे बनी जाओ होम डिलीवरी में, मैंने अपना जी जान लगा के काम किया है और कर रहा हूँ. अभी शूटिंग स्टार्ट ही हुई है. आई होप, विश एंड प्रे कि मैं आपको एंटरटेन कर सकूँ और आप मुझसे इम्प्रेस होते रहें. ओके,